दोस्तों शाहरुख खान और सिकंदर रजा की इस बेहतरीन पार्टनरशिप ने पंजाब को मैच जिताने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाई। शनिवार को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 2 विकेट से मात दी। पंजाब की ओर से सिकंदर रजा ने बेहतरीन पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 44 गेंद पर 57 रनों की एक अच्छी पारी खेली। वहीं इस मैच के बाद पंजाब किंग्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सिकंदर रजा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पंजाबी में बात करते हुए नजर आए। दरअसल पंजाब ने सिकंदर रजा का एक वीडियो शेयर किया जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में एंकर साशि धीमन उनसे पूछती है कि इतनी अच्छी पंजाबी कहां से सीखी। तो इस पर सिकंदर रजा कहते हुए नजर आ रहे हैं, पंजाब दी जर्सी नहीं पाई। मैं आपको बता दूं कि वीडियो पर फैंस अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। तो वहीं अगर मैच की बात करूं तो पहले बैटिंग करने उतरे लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 159 रन बनाए, और वहीं दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरे पंजाब किंग्स ने 19.3 ओवर में 161 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत लिया। दरअसल पंजाब की टीम ने बेहद खराब शुरुआत की। आर्थवे ताइडे और प्रताप सिमरन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट और हरप्रीत सिंह भाटिया ने अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को वापस गेम में लाने की मदद की। बट इस जीत के हीरो रहे सिकंदर रजा ने 41 गेंद पर 57 रन बनाए। उनके अलावा शाहरुख खान ने 10 गेंदों में 23 रनों की पारी खेलकर पंजाब को जीत दिलाई। मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान और सिकंदर रजा की इस बेहतरीन पार्टनरशिप ने पंजाब को मैच जीतने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। वह इस जीत के साथ पंजाब पॉइंट्स टेबल में 4th स्थान पर पहुंच गया है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब अगला मुकाबला 20 अप्रैल को RCB के साथ खेलेगा।